तो ऐसा है कि जब केस होगा तो चार्जशीट फाइल नहीं होगी। अभी तो कुछ दिन पहले छाती पीट पीट के बोलते थे कि चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया। अब चार्जशीट फाइल कर दी तो मोदी जी याद आ रहे हैं कि मोदी जी ने फंसवा दिया, भाजपा ने फंसवा दिया। ने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओ। रेलवे में नौकरी के बदले पैसा आप लो, नौकरी आप दो, गरीबों के पैसे ले लो, एविडेंस मिल जाता है उसे कंपनी बना लो, 4 करोड़ का मकान को 4 लाख का बता दो। कॉन्क्रीट एविडेंस है भाई, पूरा एक बुकलेट जेडीयू ने रिलीज किया था, बीजेपी ने नहीं रिलीज किया था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ललन सिंह ने दिया था मनमोहन सिंह को, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू ने रिलीज किया था। अब जाके पूछें जेडीयू से लालू जी कि काहे किए थे नीतीश, अब तो फंस गए। बिहार जिला राजनीति पर असर पड़ेगा। अब तो देखिए 13 तारीख को कोर्ट में पेश होंगे, कोर्ट क्या करता है, वहीं से सीबीआई रिमांड मांग ली, रिमांड मिल गया तो हो गया। भ्रष्टाचार की गारंटी इनकी है, कार्रवाई की गारंटी मोदी जी की है। तो जो बिहार सरकार कहती है न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, तो इस मामले में नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के सबसे बड़े संरक्षक हो चुके हैं। जो सीसीसी कहते थे, क्राइम करप्शन और कम्युनलिज्म, उन तीनों के गोद में बैठ के झूला झूल रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल्स के साथ है, कितने मंत्रिमंडल में क्रिमिनल है ऊपर से नीचे तक खुद जोड़ लीजिए। करप्शन की बात ही नहीं करनी है, सजायाफ्ता लालू यादव से अपनी जीवनी का किताब का विमोचन करवाते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा नीतीश जी के लिए कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के जीवन का किताब का लोकार्पण लालू यादव करते हैं। वाह रे लालू, नीतीश कुमार करप्शन की अद्भुत मिसाल है। ये कम्युनलिज्म, दिन भर मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं टोपी लगा लगा के, 150 जगह इफ्तार किए, उसके बाद कम्युनलिज्म की बात करते हैं। तो सीसीसी के सिरमौर है नीतीश कुमार, 1 घंटा उनका रहना बिहार को 1 महीना पीछे ले जा रहा है। तुरंत इस्तीफा देंगे, देख लीजिएगा 10-15 दिन के अंदर। तो ऐसा है कि जब केस होगा तो चार्जशीट फाइल नहीं होगी। अभी तो कुछ दिन पहले छाती पीट पीट के बोलते थे कि चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया। अब चार्जशीट फाइल कर दी तो मोदी जी याद आ रहे हैं कि मोदी जी ने फंसवा दिया, भाजपा ने फंसवा दिया। ने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओ। रेलवे में नौकरी के बदले पैसा आप लो, नौकरी आप दो, गरीबों के पैसे ले लो, एविडेंस मिल जाता है उसे कंपनी बना लो, 4 करोड़ का मकान को 4 लाख का बता दो। कॉन्क्रीट एविडेंस है भाई, पूरा एक बुकलेट जेडीयू ने रिलीज किया था, बीजेपी ने नहीं रिलीज किया था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ललन सिंह ने दिया था मनमोहन सिंह को, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू ने रिलीज किया था। अब जाके पूछें जेडीयू से लालू जी कि काहे किए थे नीतीश, अब तो फंस गए। बिहार जिला राजनीति पर असर पड़ेगा। अब तो देखिए 13 तारीख को कोर्ट में पेश होंगे, कोर्ट क्या करता है, वहीं से सीबीआई रिमांड मांग ली, रिमांड मिल गया तो हो गया। भ्रष्टाचार की गारंटी इनकी है, कार्रवाई की गारंटी मोदी जी की है। तो जो बिहार सरकार कहती है न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, तो इस मामले में नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के सबसे बड़े संरक्षक हो चुके हैं। जो सीसीसी कहते थे, क्राइम करप्शन और कम्युनलिज्म, उन तीनों के गोद में बैठ के झूला झूल रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल्स के साथ है, कितने मंत्रिमंडल में क्रिमिनल है ऊपर से नीचे तक खुद जोड़ लीजिए। करप्शन की बात ही नहीं करनी है, सजायाफ्ता लालू यादव से अपनी जीवनी का किताब का विमोचन करवाते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा नीतीश जी के लिए कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के जीवन का किताब का लोकार्पण लालू यादव करते हैं। वाह रे लालू, नीतीश कुमार करप्शन की अद्भुत मिसाल है। ये कम्युनलिज्म, दिन भर मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं टोपी लगा लगा के, 150 जगह इफ्तार किए, उसके बाद कम्युनलिज्म की बात करते हैं। तो सीसीसी के सिरमौर है नीतीश कुमार, 1 घंटा उनका रहना बिहार को 1 महीना पीछे ले जा रहा है। तुरंत इस्तीफा देंगे, देख लीजिएगा 10-15 दिन के अंदर।